हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 7, इंस्क्राइबिंग सेमी सर्कल्स। एग्जाम्पल नंबर 18, टू इंस्क्राइब 4 इक्वल सेमी सर्कल्स इन अ गिवन स्क्वायर, ईच वन टू टच टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड देयर डायमीटर्स टू बी एडजेसेंट। क्वेश्चन, इन अ स्क्वायर विद वन साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इंस्क्राइब 4 इक्वल सेमी सर्कल्स, ईच वन टचिंग टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड देयर डायमीटर्स टू बी एडजेसेंट। हिंदी प्रश्न विभाग 7, अर्धवृत्तों सेमी सर्कल को अंकित करना। उदाहरण, दिए गए वर्ग स्क्वायर में 4 समान अर्धवृत्त सेमी सर्कल इस प्रकार अंकित करना कि उनमें से प्रत्येक अर्धवृत्त सेमी सर्कल 2 भुजाओं को स्पर्श करे और उनके व्यास संलग्न हो। प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग स्क्वायर में 4 समान अर्धवृत्त सेमी सर्कल इस प्रकार अंकित करे कि प्रत्येक 2 भुजाओं को स्पर्श करते हुए उनके व्यास संलग्न हो। मराठी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर बाजूच्या चौरसात 4 समान अर्धवर्तुळे अशा प्रकारे अंतर्लिखित करा की प्रत्येक अर्धवर्तुळ चौरसाच्या 2 बाजूंना स्पर्श करून त्याचे व्यास संलग्न राहतील। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें पहले स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर उसका बेसलाइन हमें निकालना है 5 सेंटीमीटर। इस बेसलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना है, वो लाइन जो है वो लाइट ले लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। यहाँ पर इसे नाम देना है ए बी 5 सेंटीमीटर। अब हमें राउंडर लेना है, कंपास लेना है, कंपास का स्टील वाला पॉइंट ए पॉइंट पर रख के यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है। तो आर्क बनाएं, पहले वाले आर्क ने ए बी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया, वहाँ पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर इस दोनों आर्क से हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया, दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को और अभी मिले हुए पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। कंपास में डिस्टेंस लेना है ए बी इतना, इस पर आर्क बनाया, अभी जो परपेंडिकुलर लिया उस पर हमने एक आर्क बनाया, उस आर्क ने इस परपेंडिकुलर को जहाँ पर क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट मिला, उसको नाम दिया डी। डी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर एक राइट साइड को वर्टिकल आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से पी पॉइंट से उस आर्क पर एक हॉरिजॉन्टल आर्क बनाया, दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है सी। अब बीसी को जोड़ना है और सीडी को जोड़ना है इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर डायगोनल निकालना है, इसी पॉइंट को जोड़ना है, विकर्ण निकालना है, कर्ण को ड्रॉ करना है इस प्रकार से। दो डायगोनल हमें मिल गए, दोनों डायगोनल ने यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ओ। उसके बाद हमें बच्चों यहाँ पर हमें इस स्क्वायर के इक्वल 8 पार्ट बनाने हैं, 8 इससे यहाँ पर एक समान बनाने हैं, तो ये 4 हो गए। अब ये 4 के फिर से हमें 4 बनाना है, तो बी पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर
ये BC से थोड़ा, हब से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर राइट साइड को एक आर्क बनाया और उसी डिस्टेंस से और सी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। यहाँ पर पॉइंट मिला है। इसी प्रकार के आर्क CD पॉइंट से लेने हैं। इस प्रकार से दोनों आर्क ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, वहाँ पॉइंट मिला है और मिले हुए पॉइंट को और ओ पॉइंट को इस प्रकार से जोड़ना है। अभी ये वाले पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल पार्ट यहाँ पर बन गए हैं। यहाँ पर नाम देना है P, यहाँ पर नाम देना है Q, यहाँ पर नाम देना है R, यहाँ पर नाम देना है S। अब हमें OAP इस एंगल को बाइसेक करना है, इसके दो इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके इस प्रकार से आर्क बनाया। इस आर्क ने OA लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर नाम देना है, उस पॉइंट को नाम देना है X, और AB लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर नाम देना है Y। अब X पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर इस प्रकार से कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके राइट साइड को एक आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से, उसी रेडियस से Y पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस हुए हैं वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को और A पॉइंट को जोड़ना है। ये सभी जो काम है ये केयरफुली करना है, तभी आपका ये क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व होगा। ये जो लाइन है इसे हमें आगे तक लेना है, खींचना है इस प्रकार से। OAP इसका हमने बाइसेक निकाला है। ये जो लाइन यहाँ पर क्रॉस हुआ है यहाँ पर नाम देना है E। अब E पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर निकालना है इस प्रकार का, यानी OB लाइन को E पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लंब रेखा निकालनी है। तो बहुत ही इजी सा ये स्टेप है। E पॉइंट पर हमने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर एक इस तरफ आर्क बनाया और एक इस तरफ आर्क बनाया। ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली हमने लिया है, यहाँ पर पॉइंट मिला, यहाँ पर पॉइंट मिला। अब मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर E से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके राइट साइड को और एक लेफ्ट साइड को आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से इन दोनों आर्क पे फिर से दो आर्क बनाना है। रेडियस वही रखना है, रेडियस कम ज़्यादा नहीं करना है। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है, दोनों पॉइंट को केयरफुली से जोड़ना है। हर एक स्टेप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से जोड़ने के बाद इस लाइन ने OQ लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट लेना है N, और इस लाइन ने OS लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर पॉइंट लेना है Y। अब हमें कंपास में OY इतना डिस्टेंस लेना है, रेडियस लेना है, और यहाँ पर M पॉइंट लेना है और यहाँ पर N पॉइंट लेना है, यहाँ पर N और यहाँ पर X लेना, मैंने यहाँ पर N बोला था, X लेना है। इस पॉइंट को क्लियर करना है, उसके बाद N Y को जोड़ना है, सॉरी M Y को जोड़ना है, N X को जोड़ना है इस प्रकार से। अब हमें E
इस सेंटर पॉइंट पे कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में डिस्टेंस लेना है y इतना, और यहाँ पर इस प्रकार से हाफ सर्कल निकालना है। इस प्रकार के हाफ सर्कल और तीन हमें निकालने हैं। इस प्रकार से आज का यह क्वेश्चन हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है। बच्चों, इन सभी सेमी सर्कल ने इस स्क्वायर को क्या किया है, यहाँ पर टच किया है, और इसके जो व्यास है, डायमीटर से ये एक दूसरे को जुड़े हुए संलग्न है। आप भी इस स्क्वायर के साइड का डिस्टेंस चेंज करके इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही इसमें आपको परफेक्ट बनाएगी। आज का ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।